आपको रोकूंगी। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर एक आ रही है, संसद में सुरक्षा चूक का ये पूरा मामला। आरोपी नीलम के घर जी न्यूज टीम पहुंच गई है। हरियाणा के हिसार में रहती है नीलम, वही नीलम जो इसने बाहर इस स्मोक क्रैकर को इस्तेमाल किया, धुआं फैलाया और उसके बाद नारेबाजी भी की। ये हिसार की उस गली की तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर नीलम रहती है। और तमाम हमारे जो सहयोगी हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये पूरी सोची समझी साजिश के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। और ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई होली दिवाली का त्योहार नहीं है कि आप कहीं भी किसी को भी रंग लगा देंगे, किसी के ऊपर भी पटाखा फोड़ देंगे। ये मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है, कुछ नियम है, कायदे हैं, कानून है। ऐसा नहीं है कि आपके जो मन में आएगा वो आप कर लेंगे। जितेंद्र, बिल्कुल सही कहा आपने शोभना, क्योंकि वहाँ के कायदे नियम हैं और वहाँ पर कोई भी इस तरह से घुस नहीं सकता। लेकिन ये अपने आप में काफ़ी ये भी बताता है कि किस तरह से वहाँ पे सिक्योरिटी लैप्सिस हैं। और उसी का फ़ायदा उठा करके ये जो चारों व्यक्ति हैं इन्होंने ये योजना बनाई है। इसमें अब जो सबसे जरूरी चीज़ है वो ये जानना जरूरी है कि ये सेल्फ मोटिवेट थे, इन्होंने खुद से ही इस प्लान को बनाया था या इसके पीछे कोई और व्यक्ति था। निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर मैं भी अगर पार्लियामेंट जाता हूँ तो ही मुझे उस बात की जानकारी हो सकती है कि किस तरह से सिक्योरिटी चेकिंग होती, कहां कहां पर लूप होल्स हैं। जब विजिटर गैलरी में आप बैठते हैं तो वहां पर कितना समय है, कितनी देर के लिए बैठा जाता है और किस तरह से लोग जो सिक्योरिटी, पार्लियामेंट सिक्योरिटी के जो लोग मौजूद होते हैं वो किस तरह से वहां पर प्लेस्ड होते हैं। तो इस सब बातों का होमवर्क किया गया है और उसी के बाद ये दो व्यक्ति अंदर घुसे हैं। इसमें यह भी बता दूं शोभना कि इन्होंने जानबूझ करके बीजेपी एमपी के पास का इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि बीजेपी इस समय रूलिंग पार्टी है और निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते होंगे कि हम उनके जरिए घुसे हैं। अगर ये अपोजिशन पार्टी के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन निकल करके सीधे तौर पर आ जाता कि कहीं ना कहीं उन्होंने मोटिवेट किया होगा। तो ये भी एक साजिश का हिस्सा होगा कि इन्होंने जानबूझ करके जो रूलिंग पार्टी के एमपी हैं प्रताप सीमा, उनके नाम का इस्तेमाल किया है और उनके जरिए पास बना करके ये घुसे हैं। इसमें ये बात देखिए शोभना कि एक व्यक्ति लखनऊ का रहने वाला है, एक कर्नाटक का रहने वाला है, एक हिसार का। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं लेकिन मेरे पास समय थोड़ा सा सीमित है। चार अलग अलग चौक, हाँ थोड़ा सा समय सीमित है और रविंद्र से मैं इस समय मुझे उनसे जरा सा जानकारी लेनी है। रविंद्र, आज जो बैठक बुलाई गई ओम बिरला के द्वारा, उसमें यह फैसला लिया गया कि साहब अब कोई पास नहीं बनेगा, इसको कैसे समझा जाए? क्या ये दबाव में लिया गया फैसला है क्योंकि हंगामा मच गया था जिस समय ये कार्यवाही दोबारा एक घंटे बाद शुरू हुई थी, या इसको कैसे समझे हम? छोटा सा जवाब, समय मेरे पास बहुत कम है। देखिए बिल्कुल, ये पास केवल आज प्रताप सीमा का नहीं बल्कि वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आज पूरे दिन विजिटर गए थे और रोज जाते हैं तो अलग अलग सांसदों को बनता है और उस पर सिग्नेचर सांसदों को होते हैं। आज प्रताप सीमा के बनाए हुए जो विजिटर थे उन्होंने ये हरकत कर दी है, इसलिए कहीं ना कहीं जो स्पीकर के साथ बैठक हुई उसमें एक फैसला हुआ है कि जब तक इसकी जाँच रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक विजिटर पास रोक दिया जाए और विजिटर पास बनाने के भी नियम बनाए जाएंगे। ये हमें जानकारी मिल रही है, प्रताप सीमा से भी ओम बिरला मिले हैं और बाकी सभी सांसदों से भी मुलाकात करके यही फैसला हुआ कि फिलहाल रोक लगा दिया जाए जैसे कि कोरोना काल में था और विजिटर पास बनाने के नियम होंगे, जिसको आप डायरेक्ट जानते हैं उसी को पास बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आप तीनों ही नजर रखिए ये, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है और सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। जैसे ही कुछ अपडेट होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। राजपथ में मुझे दीजिए इजाजत, शाम 7 बजे बात पते की में एक बार फिर होगी मुलाकात, लेकिन कहीं मत जाइए, आगे देखिए ताल ठोक के दीपक चौरसिया के साथ।